आप भी अगर घर पे ही बहुत अच्छा मालपुए बनाना चाहते हैं और इजी तरीके से, तो आप भी मेरे चैनल पे आइए और देखिए कितने अच्छे मालपुए बने हैं, एकदम जालीदार, रेसेदार और बढ़िया क्रंची इस बने हैं। इसको खाने में बहुत मज़ा आता है और इसकी खुशबू तो आहा, दिल खुश हो जाए खुशबू से, मन करे अकेले ही सारा खा जाए और किसी को ना दे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है 250 ग्राम मैदा। तो मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। अगर आपको क्वान्टिटी अधिक रखनी है, ज़्यादा बनानी है, तो आप क्वान्टिटी अधिक कर सकते हैं। मैंने 250 ग्राम मैदा लिया हुआ है और लगभग 100 ग्राम के बराबर सूजी लिया हुआ है। 100 ग्राम डालूंगी, बहुत पतली वाली सूजी नहीं है, मोटी वाली सूजी है, कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। तो मैंने सूजी ले लिया है। उसके बाद इसमें मैंने क्रश किए हुए नारियल और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। साथ ही साथ इसमें लगभग मैंने चीनी ऐड कर दिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी भी लगभग 100 ग्राम था। और इसमें मैंने लिए हुए 2 केले। तो केले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोग केला नहीं डालते, लेकिन केला बहुत टेस्टी लगता है इसमें। तो मैं 2 केले लेती हूँ और इसको आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन सारे मिक्सचर को एक साथ आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पतला फाइन पेस्ट बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिए, हाथ से इस केले को मैश कर दीजिए। ये मैश हो जाता है अच्छे से। केला अगर अच्छा पका हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने लिया हुआ 1 ग्लास मिल्क, 1 ग्लास मैंने दूध लिया हुआ है। और इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। केला मिक्स करते करते ही अच्छे से उसमें मैश हो जाएगा। और बाद में अगर मैश नहीं हुआ तो आप अच्छे से मैशर से मैश कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इन सबको चला सकते हैं। तो अच्छे से इसको क्या करना है, मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद क्या करना है, इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो इसमें मैंने एक इलायची ऐड कर दिया। इलायची टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इलायची की वजह से। तो मैंने एक ही इलायची डाला, बड़ी इलायची थी, टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा इससे। तो बस इसको क्या करना है, ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है, ताकि इसमें जो मैंने सूजी डाल रखी है वो अच्छे से फूल जाके सेट हो जाए फूल के। तो इसको क्या करना है, ढक के 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए और कहीं आप साइड पे रख दीजिए, तब तक आप दूसरे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको मैं मिक्स करके अच्छे से सेटल होने के लिए छोड़ दिया है मैंने। और इसको मैं, आप चाहे तो ढक के छोड़ें, आप चाहे तो खुला छोड़ें, ढक के छोड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं पड़ेंगे, कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो आप इसको जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं और तब तक आप कोई और प्रिपरेशन कर लीजिए, कोई और काम कर लीजिए, या फिर आप इसको पकाने का प्रिपरेशन कर सकते हैं। उस बीच में आपको जो चाहे आप वो कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरीके से सेटल हो गया है, अभी अच्छे से मिक्स नहीं है। तो इसको मैं और अच्छे से मिला लेती हूँ। केले अभी वैसे ही हैं तो मैं अभी इसको ढक के नहीं रखूँगी। तो इसको मैं फिर से अभी मिला लिया अच्छे से। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए ढक के ऐसे छोड़ दूँगी रेस्ट के लिए, सूजी फूल जाएगी, उसके बाद ही मैं निकालूँगी। तो ये लगभग फूल गए हैं और सारे देखिए केले भी इसमें मिक्स हो गए हैं अच्छे से। और जो नहीं मिक्स हुए हैं उसको आप धीरे धीरे ऐसे चलाते रहोगे तो ये मिक्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो इतने बड़े इतने टुकड़े चलते हैं। तो बस मैंने पैन को गैस पर रख दिया है और पैन अच्छे से गर्म हो जाए, पानी सूख जाए, उसके बाद इसमें आप ऑयल यूज़ करिएगा। तो मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया, आप अपना फेवरेट कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल को मैंने डाल दिया। ऑयल जब तक गर्म हो रहा है, भाप जब तक उसमें से ना आ जाए अच्छे से, तब तक आपको बिल्कुल नहीं डालना है इसमें कुछ भी। तो जब वहाँ उठने लगे, उसके बाद आपने जो पेस्ट बना के रखा है, उसके बाद आपको उसमें, आप कलछी की सहायता से, आपको जिस बर्तन की सहायता से आपको उसमें डालना है। मुझे खांसी आ गया था। तो इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करके सबसे पहले, उसके बाद ही फेंट के उसको आपको पैन में ट्रांसफ़र करना है। तो बस अच्छे से फेंट लीजिए, सबसे पहले इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद क्या करना है, एक कलछी में इसको लेना है और एक जगह पे गिराते जाना है। ये नहीं कि आप अलग अलग जगह पे गिराइए, इससे क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे और बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा आपका मालपुआ। मालपुआ बहुत ही बढ़िया बनेगा इस तरीके से। आप चाहें तो एक के साथ 3 से 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि शेप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। और देखिए कितने फूले फूले बन रहे हैं, कितनी बढ़िया शेप में आ रही है और कितने जालीदार बन रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से पके पके हैं ये, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं एक साथ 3 से 4 बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऑयल वैसे ही बर्बाद हो रहा है, शेप से क्या ही बहुत ज़्यादा लेना देना है, बहुत बुरा शेप नहीं आएगा। 3 से 4 जितने ऑयल है आप उस हिसाब से एक साथ भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो बहुत बड़े बड़े पीसेस बना सकते हैं, चाहें तो छोटे पीसेस बना सकते हैं, वो फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े साइज़ के पीसेस बनाना चाहते हैं मालपुए के। तो मैं मीडियम साइज़ के ही पीसेस बना रही हूँ, बहुत ना बड़े ना बहुत छोटे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा बड़ा बना दो तो आप वो पूरे खा नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप मीडियम साइज़ के बनाओगे, तो जिनका बहुत ज़्यादा मीठा खाने का नहीं मन होता है
तो वो एक पीस पूरा आसानी से खा सकते हैं, तोड़ के रखना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं मीडियम साइज ही बनाती रहती हूँ। और इसको क्या करेंगे, चाकू से उलट पुलट के इसको हम पका देंगे अच्छे से, और इस तरीके से धीरे धीरे करके मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा, बहुत हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखिएगा, बहुत ज़्यादा फूले फूले बनेंगे और बहुत ही बेहतरीन बनते हैं ये, और खाने में उतना ही बढ़िया। अगर आपको कहीं ट्रैवल पे जाना है तो आप इसको ले के जा सकते हो, 3 से 4 दिन तक 5 दिन तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। विंटर का मौसम होता तो 10 दिन तक आराम से चल जाता, लेकिन धीरे धीरे अभी गर्मियों का सीज़न आ रहा है, खास करके होली का त्यौहार आ रहा है, तो होली में तो हर किसी के घर में बनता ही बनता है। और अगर आपको इससे पहले नहीं पता था कि मालपुआ कैसे बनाते हैं और इतने ईजी तरीके से बनाते हैं, कम इंग्रेडिएंट में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, तो इस तरीके से आप भी मालपुए का स्वाद ले सकते हैं। आपको कहीं ट्रैवल पे जाना है तो आप तब भी बना के ले जा सकते हैं, या फिर आपका ऐसे ही खाने का मन हो, जब भी खाने का मन हो तो आप इस तरीके से मालपुआ बनाइए और ख़ुद भी खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, और बच्चों को तो बहुत पसंद आता ही है। मेरी दादी इसको बहुत बनाया करती थी इस तरीके से। आजकल तो बहुत सारे लोग चाशनी वाला बनाते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि आजकल चीनी जो होता है अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, खास करके चीनी। तो आप ज़्यादा अगर वर्कआउट नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो चीनी वाली चीज़ें कम ही खाइए। तो मैं चाशनी वाला प्रेफर कभी नहीं करती, इस तरीके से आप बनाइए, इसमें चीनी भी कम लगता है और आपने ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स डाल रखे हैं तो वो काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, तो इस तरीके से ये ज़्यादा मीठा भी नहीं होता और हेल्थ भी सही रहता है। तो आप भी खाइए, घर वालों को खिलाइए और ट्रैवल पर जाइए, सबको खिलाइए, दोस्तों को खिलाइए, सब कोई खुश रहने वाला तो है ना। ये बनाने में आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये बहुत अच्छे से फूले फूले करारे बन भी जाते हैं। तो मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद है। अगर आपने इससे पहले कभी नहीं बनाया है तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला है, बहुत ही बेहतर लगेगा, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट, कम खर्च में ये बना है। आप चाहें तो जितने तरीके से आप चाहें बना सकते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके का वीडियो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरे दादी का नुस्खा है। दादी मेरी ऐसे ही बनाया करते थे, मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था, तो आज मैंने सोचा मैं ही ट्राई करके इसको बना के वीडियो अपलोड करती हूँ, शायद आपको पसंद आए। और आपको पसंद आए तो आप एक लाइक और एक कमेंट कर सकते हैं, बना के खाइएगा, अगर पसंद आता है तो एक कमेंट तो बनता ही है, लाइक करिए। आपको अगर अच्छा लगे, नहीं लगे, अच्छा लगे तो बिल्कुल भी लाइक मत करिएगा, लेकिन आप पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, सारे मालपुए बना बना के इकट्ठा कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे बने मालपुए और कितने अच्छे, खूबसूरत और टेस्टी बने हैं, देखने में भी कितने जालीदार दिख रहे हैं ये। हाँ, ये थोड़ा ऑयल ज़्यादा सोखते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, आपको अगर ऑयल ज़्यादा नहीं खाना तो आप टिश्यू पेपर में इसको निकालिए और जितने एक्स्ट्रा ऑयल है टिश्यू पेपर में आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे मालपुए बना लेती हूँ और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो सबकी क्वांटिटी उस हिसाब से आप बढ़ा लीजिएगा, और कम बनाना है तो आप, आपके पास अगर फ्रिज है तो आप बहुत दिन तक बना के रख सकते हैं, 10-12 दिन तक खा सकते हैं। नहीं फ्रिज है तो अभी का जो सीज़न है तो उसमें आप ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। तो मालपुआ बनकर बिल्कुल तैयार है, मैंने इसको गार्निश कर दिया नारियल से, तो कितना प्यारा है और कितना खूबसूरत टेस्टी लग रहा है, मेरा तो देख के ही मुँह में पानी आ रहा है, इतना बढ़िया बना है। तो अगर आपको भी अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कराना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।